हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के कहानी में हम लोग एक ऐसे बूढ़े आदमी को देखेंगे जो कि एक नंबर का ठरकी होता है, क्योंकि उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी, इसलिए वो हमेशा फोन में लड़कियों को देखता रहता था और वो हमेशा ये विश करता था कि काश वो जवान हो जाए। एक दिन जब वो एक लड़की के साथ घपाघप कर रहा होता है, तब वो लड़की उसे बताती है उसे एक दवा के बारे में पता है जिसे लेने से वो फिर से जवान हो सकता है। अब वो आदमी उस दवा के तलाश में लग जाता है। आखिर में उस आदमी को वो दवा मिल जाती है। वो जैसे ही इस दवा को लेता है, वो फिर से बहुत हैंडसम और जवान हो जाता है और अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करता है और बहुत सी लड़कियों के साथ घपाघप करता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, ये हम आगे इस मूवी में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक बड़े से शहर से होती है। यहाँ हम लोग एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम गैरी है। गैरी एक फोटोग्राफर था, लेकिन इसके साथ साथ वो एक नंबर का ठरकी भी था। वो अपने दुकान में बैठकर पूरे दिन सिर्फ लड़कियों की फोटोज देखता रहता था। एक दिन एक लड़की उसके पास आती है और वो उससे कहती है, मुझे कोट पहनकर एक फोटो क्लिक करवानी है क्योंकि मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ और मुझे पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवानी है। ये सुनकर गैरी उसे चेंजिंग रूम से कोट निकाल कर देता है। इसके बाद वो चेंजिंग रूम से खुद बाहर चला जाता है। अब वो लड़की इस चेंजिंग रूम में आती है और वो यहाँ आकर अपना कपड़ा चेंज करने लगती है, लेकिन गैरी चुपके से उसे कपड़ा चेंज करते हुए देखता है। तभी उस लड़की को गैरी की हरकत का पता चल जाता है। इसके बाद वो गैरी की दुकान में बहुत हंगामा करती है और वो गैरी पर बहुत चिल्लाती है और उसे बहुत सारी गालियां देकर यहाँ से चली जाती है। गैरी के दुकान के बगल में एक सैलून की दुकान थी और इस दुकान का मालिक ली नाम का आदमी होता है। वो गैरी से कहता है, हम लोग बूढ़े हो चुके हैं और हम लोगों को अब लड़कियों के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन गैरी खुद को जवान मानता था और वो अपने आप को बूढ़ा कहलवाना नहीं चाहता था, इसलिए उसे ली की बातें फिजूल लगती है। रात होने पर गैरी अपने घर आता है। गैरी यहाँ बेड में लेटकर अपने फोन को देख रहा था। फोन में वो अपने फेवरेट एक्ट्रेस की मूवी देखता है, लेकिन वो एक एडल्ट मूवी थी। उस वीडियो को देखते हुए गैरी के तन बदन में आग लग जाती है। इसके बाद वो अपनी हाथ की शक्ति दिखाता है और अपने आप को ठंडा करता है। यहीं पर हमें यह पता चलता है कि गैरी अब तक कुंवारा है और उसकी शादी अब तक नहीं हुई है, क्योंकि ना तो गैरी के पास अच्छा घर है और ना ही उसके पास पैसे हैं। शादी ना होने के कारण गैरी पूरा दिन बस लड़कियों के बारे में सोचता रहता था। अगले दिन गैरी की दुकान में एक लड़का आता है और वो अलग अलग पोज में अपनी फोटो क्लिक करवाता है। इसके बाद वो गैरी की खींची हुई फोटोज को देखता है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो गैरी से कहता है, तुम तो इस शहर के सबसे बदनाम फोटोग्राफर हो, तुम्हें कई बार लड़कियों ने पीटा है, कई बार तुम जेल जाते जाते भी बचे हो। उसकी बातों को सुनकर गैरी को यहाँ शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर करता है। इसके बाद वो लड़का इससे फोटोज लेता है और पैसे देकर यहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही ली गैरी के पास आता है और वो गैरी से कहता है, हमारे शहर में एक नया क्लब खुला है, वहाँ कई लड़कियाँ ऐसी हैं जो कि पैसे लेकर कुछ भी करती हैं, इसलिए हमें एक बार तो वहाँ जरूर जाना चाहिए। ली की बात सुनकर गैरी बहुत खुश होता है और वो वहाँ जाने के लिए मान जाता है। रात होने पर ये लोग नए क्लब में जाते हैं और यहाँ आकर वो लोग शराब पीते हैं। उसी वक्त एक लड़की आकर ली के पास में बैठ जाती है। वो लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी और उस लड़की का नाम सूजी था। सूजी को देखकर गैरी की फीलिंग्स जागने लगती हैं और सबसे अजीब बात यह थी कि सूजी भी उसी को देख रही थी। कुछ ही देर बाद हम लोग सूजी को देखते हैं जो कि गैरी के घर में आई है और गैरी उसे घोड़ी बनाकर घपाघप कर रहा है। इसके लिए गैरी ने उसे पैसे दिए थे। गैरी यहाँ अपने पूरी ताकत लगाता है, लेकिन उससे कुछ खास नहीं हो पाता है। अपने मिशन में नाकाम होने के बाद गैरी सूजी से बातें करता है। गैरी उससे पूछता है, तुम्हें मेरे साथ कैसा लगा? सूजी पहले तो उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन वो बाद में कहती है, मैंने एक दवा के बारे में सुना है जो कि बूढ़ों को भी जवान बना देती है और वो दवा हमारे शहर में भी अवेलेबल है, लेकिन वो दवा कहाँ मिलती है ये मुझे नहीं पता है। सूजी की बात सुनकर गैरी सोच में पड़ जाता है और अब गैरी को हर हाल में वो दवा चाहिए थी। कुछ दिनों बाद एक नई बिल्डिंग में एक मॉडल का फोटोशूट हो रहा था। गैरी भी यहाँ पहुंचकर उस मॉडल की फोटो क्लिक करता है। ये नई मॉडल देखने में बहुत खूबसूरत थी। इस कमसीन खूबसूरत लड़की को देखकर गैरी के मुंह में पानी आने लगता है। तभी मॉडल का मैनेजर यहाँ आता है और वो इन लोगों को फोटो लेने से रोकता है क्योंकि मॉडल को इस वक्त मेकअप करना था। उसकी बात मानकर सारे फोटोग्राफर्स रुक जाते हैं और मेकअप मैन मॉडल का मेकअप करने लगता है। गैरी को जैसे ही मौका मिलता है, वो उस मॉडल के पास आता है और वो उससे उसका नाम पूछता है। तभी मेकअप मैन और भी सामान लेने के लिए यहाँ से चला जाता है। तब गैरी को मॉडल से बात करने का मौका मिल जाता है। यहाँ गैरी उसके साथ काफी सारी बातें करता है। बातों ही बातों में गैरी उसके क्लोज आने की कोशिश करता है। तब मॉडल उससे कहती है, मेरा रेट बहुत हाई है और मैं सिर्फ अमीर लोगों को ही छूने देती हूँ जिनके पास गाड़ियाँ और बंगले होते हैं। तुम तो काफी गरीब इंसान दिखते हो, साथ ही साथ तुम बूढ़े भी हो। उसकी बातों को सुनकर गैरी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर उसका गला दबाने लगता है। तभी मेकअप मैन यहाँ आ जाता है और वो मॉडल को बचाता है। तभी मॉडल का मैनेजर भी यहाँ आ जाता है और ये लोग मिलकर गैरी को बहुत मारते हैं। गैरी की धुलाई करने के बाद ये लोग गैरी को यहाँ से निकाल देते हैं। इतने बुरे तरीके से मार खाने के बाद गैरी अब और भी गुस्सा हो जाता है और अब वो उस मैनेजर को मारना चाहता था, लेकिन वो अकेले इस काम को नहीं कर सकता था क्योंकि उसके शरीर में अब उतनी जान नहीं थी और वो बूढ़ा हो चुका था।
वो गुस्से में शहर में इधर उधर घूमने लगता है। इधर उधर घूमते हुए उसकी नजर एक दवा खाने पर पड़ती है। इस मेडिकल स्टोर को देखकर उसे सुजी की बातें याद आती हैं। इसके बाद वो इस दवा खाने में जाता है। यहाँ पर एक औरत बैठी हुई थी। गैरी उसके पास जाता है और वो उससे बोलता है, मुझे बूढ़ों को भी जवान करने वाली दवा चाहिए। इस पर वो औरत उससे बोलती है, मेरे पास ऐसी कोई भी दवा नहीं है। उसकी बातों को सुनकर गैरी अपसेट हो जाता है और वो यहाँ से जाने के लिए मुड़ता है। तभी एक औरत अंदर से निकलती है और वो उसे यहाँ रोकती है। और इस लेडी का नाम लीजा था। वो गैरी को कोई और आदमी समझती है। वो उसे बोलती है, तुम्हारे बॉस का मेरे पास कॉल आया था और मैंने तुम्हारी दवा तैयार रखी है। इसके बाद वह दवा दिखाकर गैरी से ये बोलती है, ये दवा तुम्हारे बूढ़े बॉस को जवान कर देगी क्योंकि मैंने इसे बहुत खास जड़ी बूटियों से बनाया है। लेकिन तुम अपने बॉस को ये बता देना कि इस दवा का ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक है। अगर उसने इसका ओवरडोज लिया तब उसकी मौत भी हो सकती है। गैरी यहाँ लीजा की बातों को सुनकर समझ जाता है। लीजा उसे कोई और आदमी समझ रही है, इसलिए वो चुपचाप उसकी सारी बातों को सुनता है। लेकिन वो इस दवा को चाहता था, इसलिए वो चुपचाप इस दवा को लेकर अपने घर में आ जाता है। जब वो अपने घर में बिस्तर में लेटा हुआ था तब उसे सूजी की बातें याद आती हैं। इसके बाद वो उस दवा को पानी में घोलता है और फिर पूरा का पूरा ग्लास एक ही घोट में पी जाता है। इस दवा को लेने के बाद गैरी बिस्तर में सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर गैरी सबसे पहले अपना मुंह देखता है। जब वो शीशे में अपना चेहरा देखता है तब वो बहुत हैरान हो जाता है। उस दवा ने अपना कमाल दिखा दिया था और गैरी एक ही रात में बूढ़ा से जवान हो चुका था। गैरी हमेशा से यही चाहता था और उसे किस्मत के भरोसे वो दवा मिल जाती है और अब वो जवान भी हो चुका था और अब वो अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता था। तभी कोई गैरी के दरवाजे पर आता है। दरवाजे पर किसी के आने की आवाज सुनकर वह घबरा जाता है। इसके बाद वो जाकर दरवाजे को खोलता है। यहाँ वो अपने दोस्त ली को देखता है। ली उससे पूछता है, तुम कौन हो और मेरा फोटोग्राफर दोस्त कहाँ है। जवान गैरी उसे बताता है, मैं तुम्हारे दोस्त का रिलेटिव हूँ और तुम्हारा दोस्त कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। उसकी बात सुनकर ली यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक बड़ी सी बिल्डिंग में एक मॉडल का फोटोशूट हो रहा था। तभी गैरी भी अपना कैमरा लेकर डरते हुए यहाँ आता है। वो जैसे ही इनके सामने आता है वो लोग उसे देखकर बहुत हैरान होते हैं। सभी लोगों के पूछने पर वो बताता है, वो एक नया फोटोग्राफर है और वो भी इस मॉडल की कुछ फोटोज क्लिक करना चाहता है। गैरी अब काफी हैंडसम हो चुका था, इसलिए जब वो मॉडल गैरी की बातों को सुनती है तब वो उसे अपना फोटो क्लिक करने की इजाजत दे देती है। इस नई मॉडल का नाम मैरी था। वो गैरी की जवानी देखकर उससे बहुत इंप्रेस हो जाती है। इसके बाद वो गैरी को अपने घर बुलाती है। धीरे धीरे करके अब गैरी की जिंदगी बहुत बदल चुकी थी और अब वो इतना हैंडसम था कि किसी भी लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता था। इसके बाद वो बहुत सारी लड़कियों के साथ घपाघप करता है। वो बीच बीच में इस दवा को लेता था ताकि उसकी जवानी बनी रहे और कोई भी उसका राज ना जाने। कुछ दिनों बाद गैरी मैरी के साथ एक पार्टी में आता है। इस पार्टी में वो देखता है यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं। इन सारी ब्यूटीफुल गर्ल्स को देखने के बाद गैरी के मन में लालच आने लगती है। लेकिन इसी पार्टी में एक लड़की सबसे अलग बैठी हुई थी और गैरी उसी के पास जाता है। यहाँ आकर वो उससे बातें करता है। वो उसे अपना नाम बताता है और वो उसका नाम पूछता है। वो लड़की बताती है उसका नाम नताशा है। वो भी गैरी को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। गैरी भी उस लड़की को पसंद करने लगा था। इसके बाद गैरी उसके घर में जाता है और वो उसके साथ पूरी रात घपाघप कार्यक्रम करता है। अगली सुबह जैसे ही गैरी जागता है वो आईने में देखता है वो फिर से बूढ़ा हो चुका है। नताशा अभी भी सोई हुई थी। इसके बाद वो नींद में ही उसे छोड़कर यहाँ से चला जाता है और वो सीधे मेडिकल स्टोर जाता है जहाँ से उसने ये दवा ली थी। यहाँ आकर वो लीजा से मिलना चाहता है। दुकान में बैठी हुई लड़की से बातें करते हुए गैरी की नज़र जैसे ही एक बॉक्स पर पड़ती है वो उस बॉक्स को उठा लेता है क्योंकि गैरी को ऐसा लगता है जैसे इस बॉक्स में दवा है। तभी लीजा यहाँ आती है और वो उसे समझाती है, इस बॉक्स में कोई दवा नहीं है। लेकिन गैरी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है क्योंकि गैरी को तो बस अपनी जवानी वापस चाहिए थी और वो हर हाल में जवान दिखना चाहता था। इधर लीजा उसे वो बॉक्स लेना चाहती थी। तभी इन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है और गैरी उसे जान से मारकर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो अपने घर आता है। घर आकर वो जैसे ही इस डब्बे को खोलता है वो देखता है यहाँ बस थोड़ी सी ही दवा है। वो इतनी सी दवा देखकर बहुत दुखी होता है। इसके बाद वो उस बॉक्स में अपना मुंह डालता है और उस दवा को चाटने लगता है ताकि वो फिर से जवान हो जाए। उस डब्बे को चाटते हुए वो सो जाता है। अगले दिन जब गैरी की नींद खुलती है तब वो देखता है वो फिर से जवान हो चुका है। इसके बाद वो जल्दी से तैयार होकर नताशा के घर में फिर से आता है। यहाँ ये लोग दिन भर बहुत इंजॉय करते हैं। अगले दिन जब गैरी की नींद खुलती है तब उसे जोरों से सरदर्द होता है और वो देखता है नताशा बेड पर नहीं है। वो अपने बेड से उठता है और वो अपना सर पकड़कर नताशा को ढूंढने लगता है। जब वो नताशा को ढूंढते हुए बाथरूम की तरफ जाता है वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत नजर आती है। गैरी जब उससे पूछता है तुम कौन हो तब वो बूढ़ी औरत बताती है, मैं नताशा हूँ। ये सुनकर गैरी बहुत हैरान होता है। नताशा उसे बताती है, मैं एक दवा खाने से दवा खाकर जवान हुई थी लेकिन कल किसी ने उस दवा बनाने वाली को मार दिया जिसके कारण आज मेरे पास वो दवा नहीं है। नताशा की बात सुनकर गैरी बहुत शौक होता है क्योंकि उसी ने जल्दबाजी में लीजा को मार दिया था। तभी गैरी भी अचानक बूढ़ा हो जाता है। उसे देखकर इस बार नताशा बहुत हैरान होती है। मूवी के लास्ट में हम लोग ये देखते हैं ये दोनों लोग यहीं पर तड़प तड़प कर मर जाते हैं क्योंकि इन दोनों ने ही दवा का ओवरडोज लिया था।
लिजा ने दवा देने से पहले ही इन दोनों को समझाया था कि इस दवा का ओवरडोज इन्हें मार सकती है, और ऐसा ही होता है। ये दोनों यहीं पर मर जाते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।